थोड़ा कूल रहिए। जयशंकर को सलाह मिली थी, सलाह किसको? भारत के विदेश मंत्री। वो विदेश मंत्री जो डंके की चोट पर देश हो या विदेश चमकर फटकार लगाते हैं, और इस बात से सबसे ज्यादा कोई वाकिफ रखता होगा तो वो है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, जिनको एस जयशंकर ने जो लताड़ा कि अब पाकिस्तान में अपनी लताड़ पर मिली फटकार की सफाई देते फिर रहे हैं। जयशंकर ने बिलावल के मुंह पर ही पाकिस्तान को आतंकवादी इंडस्ट्री कहा, जिसके बाद पाकिस्तानी पत्रकारों ने बार बार इसी सवाल पर जवाब मांगा, तो जयशंकर ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। इसका सबूत भी चाहिए क्या? ये बेबाकी है जयशंकर की। बिलावल को पाक भेजकर पछता रहा होगा, कश्मीर मांगने वाले अब शर्मिंदगी से बच रहे हैं। जयशंकर की बेबाकी और विदेश पटल पर एस जयशंकर मुंह तोड़ जवाब देने में माहिर हैं। उनकी हाजिर जवाबी का कोई तोड़ नहीं। विदेशी नहीं, देश में भी जयशंकर के निशाने पर राहुल गांधी हैं। बड़े ही सार्कास्टिक अंदाज में जयशंकर ने राहुल गांधी को लताड़ मारी है। जयशंकर ने क्लास लेने की बात कही है, वो भी राहुल गांधी से। आइए आपको बताते हैं कि किस क्लास के बारे में जयशंकर बात कर रहे थे। जयशंकर ने कहा, मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेने की सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि वो खुद चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे हैं। यह है जयशंकर का अंदाज कि मार भी दिया और लाठी भी नहीं टूटी। अब चलिए आपको थोड़ा कूल रहिए, मिली जयशंकर को सलाह की बात करते हैं। अभी तक हमने जितना आपको बताया उस हिसाब से जयशंकर सही वक्त और सही जगह पर वार करना बखूबी जानते हैं। अब इस सलाह पर जयशंकर का जवाब ना हो तो ये मुमकिन नहीं। बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने जयशंकर को कूल रहने की सलाह दी थी। कहा था कि हर समय गुस्से में भड़के रहते हैं, हर मुद्दे पर जवाब देना ठीक नहीं, जिसका जवाब अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिया है। जयशंकर ने शशि थरूर की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने भारतीय दूतावास में खालिस्तानी समर्थक द्वारा भारत के तिरंगे के अपमान पर जयशंकर ने शशि थरूर को तगड़ा धो दिया, जिसके बाद शायद उनका टेम्परेचर कूल ना रह जाए। विदेश मंत्री ने 6 मई को मैसूर में दिए बयान में कहा, ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास में लगे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया, तो क्या आपका खून नहीं खौला? एक भारतीय होने के नाते यदि दुनिया के किसी भी तिरंगे का अपमान होगा तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, मेरी स्किन पतली है, और यदि आपके देश का कोई अनादर करता है तो हम सभी को ये बात बुरी लगना स्वाभाविक है। अब जयशंकर से मिली लताड़ के बाद शशि थरूर का टेम्परेचर कूल रहता है या नॉर्मल रहता है, या उनका टेम्परेचर का पारा बढ़ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जयशंकर के इस जवाब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।